गुड इवनिंग भी सभी को, जय हिंद भी जय हिंद। जल्दी से अगर आवाज़ क्लियर हो तो सभी लोग यस करेंगे एक बार, जल्दी जल्दी से एक बार यस कर देंगे सभी लोग। ठीक है, ओके। हाँ तो अपने रेगुलर बंदे पहुंच चुके हैं क्लास में। 13 लोग की आकर्ष, आदित्य, ऋतिक, अंकित, नेताजी, अटम, बढ़िया है। जय हिंद भी जय हिंद। तो आज हमारी ये इक्वेशन और अलजेब्रा की सेकंड क्लास है, और स्टैटिस्टिक्स की आपको सेकंड वीडियो भी ऑलरेडी मिल चुकी होगी आज। उसके अंदर बार चार्ट और हमने बात करी थी, बार चार्ट के साथ साथ हमने उसके अंदर पाई चार्ट की बात की आज की क्लास के अंदर। तो इस क्लास के अंदर अपने इक्वेशन और अलजेब्रा की हमारी ये सेकंड क्लास है, और अपने इसके अंदर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास ए के बारे में दोबारा बता दूं कि ये जो आपका इक्वेशन और अलजेब्रा चैप्टर है, ये लगभग 15 तारीख तक जाएगा, और लगभग ये 15 तारीख तक जाएगा। और आपके पेपर के अंदर इसमें से इक्वेशन और एलजेब्रा दोनों को अगर आप मिला देते हो तो आपको पिछली बार के पेपर में 37 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 37 क्वेश्चन। तो ये काफ़ी आपके लिए जरूरी चैप्टर है। ठीक है, आदित्य गुप्ता कह रहा है, सर मैं रिकॉर्डिंग वाला हूँ, यूट्यूब में जो करवाई है आपने पूरी एडवांस मैथ्स की। सर आपकी क्लास की लिंक के नीचे पुराने वाले टेलीग्राम की लिंक है, उसे चेंज करो, बहुत अच्छा। ठीक है, पुराना लिंक है इसको, ये बंदे मुद्दे की काम की बात करिए, इसको मैं ज़रूर चेक करूँगा। मॉक लगाया था मैथ्स में, 75 बन रहे हैं सर फर्स्ट मॉक में, ये बंदा खतरनाक है भाई। ये कौन है यार, ये आधी रात को फ़ोन कर रहा है। चलो छोड़ो, शुरू करते हैं फिर आज की क्लास को। और पिछली क्लास के अंदर हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल के बारे में बात किया था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल आप देख सकते हो, ये सब कुछ अपने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हमने शीट के कुछ क्वेश्चन किए थे, और लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, और अब आज अपने शुरू कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल वेरिएबल से। लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल वेरिएबल से शुरू करते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल वेरिएबल से अपने आप शुरू करते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल वेरिएबल का मतलब है कि आपके पास एक्स और वाई के अंदर दो इक्वेशन होएगी, एक्स और वाई के अंदर आपके पास दो इक्वेशन होएगी, उनको सोल्व करके आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी इक्वेशन दे रहा हूँ, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, ये आपके पास पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन आपके पास टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, ये मैंने आपको दो इक्वेशंस दी है। मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर, क्या सभी को इस इक्वेशन को सोल्व करना आता है? इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके क्या आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? जल्दी से बताएंगे मुझे। एक्स और वाई के आपके पास दो इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितने लोगों को इन इक्वेशंस को सोल्व करना आता है, पहले मुझे ये बताएंगे, और आप कौन से मेथड से इसको सोल्व करते हैं, आपको वो मेथड भी बताना है कि किस मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे आप। तो आंसर इसका बताना शुरू कर दिया है, कहते हैं आंसर तो इसका टू और माइनस वन है। और अक्षत कह रहा है, सर मैं एलिमिनेशन मेथड की बात करूंगा, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड आपके पास है एलिमिनेशन मेथड, जो कि लगभग 99% बंदे इसी मेथड की बात करते हैं, एलिमिनेशन मेथड।
ठीक बात है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बढ़िया है, प्रणव कह रहा है। प्रणव मजे ले रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बढ़िया है। चलो कोई बात नहीं, तो सुनो भी, एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है। एलिमिनेशन मेथड कहता है कि आप एक्स और वाई में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को पहले सेम बना लो। एक्स और वाई में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना लो। जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, आपने देखा कि एक्स का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 1 है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ वाई का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ वाई का कोफिशिएंट 1 है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को तो वैसे का वैसे ही लिखा, लेकिन जो मेरी सेकंड इक्वेशन थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, उसका कारण है मैंने वाई के कोफिशिएंट को सेम बनाने की कोशिश करी है, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 4x प्लस 2y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6, कुछ ऐसा हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 5x की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी और x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। ये x की वैल्यू 2 आप उठाकर इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की जगह जैसे ही आप 2 रखोगे तो 2 माइनस 2y इक्वल टू 4 हो गया, माइनस का 2y इक्वल टू में माइनस 2 हो गया, प्लस का 2 हो गया सॉरी, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करी है। तो मैं सभी लोगों को यही सलाह दूंगा कि भाई एलिमिनेशन मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, आप इसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहले मेथड का नाम था आपके पास एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद इसी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का सेकंड मेथड आपके पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास दूसरा मेथड आ चुका है जिसका नाम है आपके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं बोलूंगा तो यही कि आपको हर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करना है, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो आप सभी को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, टाइम टू टाइम हम आगे क्वेश्चन करेंगे और आपको इसका जवाब आगे मिलता जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि आपके दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो। तो पहली इक्वेशन से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4 प्लस 2 वाई। ये एक्स की वैल्यू 4 प्लस 2 वाई उठाकर मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी तो 2 के अंदर आ जाएगा 4 प्लस 2 वाई प्लस वाई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 वाई प्लस वाई इक्वल टू है 3। तो 5y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है माइनस का 5, और यहां से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 आ जाएगी। ये y की वैल्यू -1 मैंने उठाकर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 4 - 2 इक्वल टू में 2। तो आपके पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू आपके पास -1 है। तो आप जिस मर्जी मेथड से x और y की वैल्यू निकालो, जिस मर्जी मेथड से निकालेंगे आपको x और y की वैल्यू सेम ही मिलेगी। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि मेथड आप चाहे कोई भी कर लें तैयार, लेकिन आपका मेथड जो है बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, अच्छे तरीके से जल्दी सॉल्व करने वाला होना चाहिए। और दोबारा मैं यही बोलूंगा कि आपको जो मैं सलाह दूंगा एलिमिनेशन मेथड की ही दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है, मैक्सिमम मैं भी एलिमिनेशन मेथड को ही काम में लेता हूँ। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से यस कर दें। अगर आपको ये दोनों के दोनों मेथड समझ आए हो तो यस कर देंगे भाई। तो पहला मेथड आपके पास एलिमिनेशन मेथड था, दूसरा मेथड आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक बात है। देव कुमार नागर कह रहा है गुड इवनिंग सर, 2023 दिसंबर के बाद आज लाइव क्लास अटेंड कर रहा हूं, बाकी सारी क्लासे रिकॉर्डिंग कर चुका हूं। हाँ अब तो लाइव क्लास अटेंड करेगा ही, 20 दिन बाद पेपर जो है। विशाल कह रहा है सर आप PY के बहुत ईजी लग रहे हैं आपसे पढ़ने के बाद, थैंक यू, हाजिरी लगाने के लिए आया था। ये भी बढ़िया है। चलो तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के हमने यहाँ पर दो मेथड कर लिए हैं, दोनों के दोनों मेथड शायद आपको अच्छे से समझ आए होंगे।
इन दोनों मेथड के बाद मैं एक तीसरे मेथड की ओर यहां पर बात करूंगा, और तीसरे मेथड का नाम आपके पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले एक बंदे ने मजाक किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बोलता है, गौर से सुनो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये बोलता है कि आपके पास जो दोनों इक्वेशंस थी ना, आप पहले तो उन दोनों इक्वेशन जैसी भी आपको क्वेश्चन वाले ने दे रखी है, क्वेश्चन वाले ने आपको इस तरीके से इक्वेशन दी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये बोलता है कि आप एक बार इक्वल टू में जीरो बनाओ। इक्वल टू में जीरो बनाएंगे सबसे पहले, तो मैंने एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर बराबर जीरो कर दिया, टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू में जीरो कर दिया। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी कि इक्वल टू के अंदर हमने जीरो को रखना होता है, ठीक बात है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे और वन लिखेंगे। अब इनके नीचे क्या आएगा, मेन मुद्दा वो है, तो सुनो भी। यहां आपने नंबर देखे क्या क्या थे आपके पास, वन माइनस टू और माइनस फोर, क्या आपके पास यही नंबर थे, वन माइनस टू और माइनस फोर। फिर आपने नंबर देखे टू वन माइनस थ्री थे, टू वन माइनस थ्री थे, है ना, टू वन माइनस थ्री से, ठीक है। अब एक्स के नीचे क्या आएगा, सुनो गौर से सुनो, एक्स के नीचे क्या आएगा, तो ये एक्स वाले को आप छोड़ दो, एक बार एक्स वाले को छोड़ दो, एक्स वाले को छोड़ दो, जिसके नीचे अगर एक्स के नीचे अगर आपने लिखना है ना, तो एक्स वालों को छोड़ दो, बाकियों से आप लिखेंगे। बाकियों से कैसे लिखेंगे, जिसको छोड़ा है उसके जस्ट बाद जो ऊपर पड़ा है वहां से शुरू करना, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस मेथड का नाम आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। तो माइनस टू इंटू में माइनस थ्री, माइनस टू के साथ माइनस टू इंटू में माइनस थ्री है, तो ये आपके पास हो जाएगा सिक्स। बीच में हमेशा माइनस का साइन लगाएंगे, फिर जो दो बच गए आप उनको मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा माइनस का फोर। क्या आप सभी को समझ आ गया कि एक्स के अपॉन में क्या लिखना है? हाँ भाई जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से, एक्स के अपॉन में क्या आएगा? सभी को समझ आ गया कि एक्स वालों को छोड़ दो, वाई के कोफिशियंट से शुरुआत करनी है। तो माइनस टू इंटू माइनस थ्री हो गया आपके पास सिक्स हो गया, फिर बीच में माइनस का साइन है, और वन और माइनस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर आएगा। हाँ, जैसे डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, प्रणव ने बिल्कुल ठीक बोला, सही बात है, डिटर्मिनेंट के तरीके से। अब वाई के नीचे क्या आएगा, गौर से सुनो, वाई के नीचे क्या आएगा, तो इस बार आपने वाई वालों को छोड़ देना है, वाई वालों को छोड़ देना है। तो मैं इसको एक बार दोबारा लिख रहा हूं, वही सारे के सारे कोफिशियंट मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये लो भाई, मैंने एक्स वाई जेड के कोफिशियंट जो है वो दोबारा लिखे हैं। इस बार आपने वाई वालों को छोड़ देना है, जिसको छोड़ा होता है उसके जस्ट बाद जो ऊपर पड़ा है ना, शुरुआत वहां से करते हैं, जिसको छोड़ा होता है उसके जस्ट बाद जो ऊपर पड़ा है शुरुआत वहां से करते हैं। मतलब माइनस फोर को पहले मल्टीप्लाई करो टू के साथ, तो ये आएगा माइनस का एट, बीच में हमेशा माइनस का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ये आपके पास बनेगा माइनस का तीन। तो ये वाई के अपॉन में क्या आएगा, आपको समझ आ गया। उसके बाद वन के नीचे क्या आएगा, वन के नीचे ये क्या कह रहा है, नथिंग इज क्लियर सर, आई एम नॉट अंडरस्टैंड, रिपीट अगेन, दोबारा शुरू से देखना क्लास को भाई, ठीक है, शुरू से देखना इसको। तो अब कांस्टेंट इस वन के नीचे क्या आएगा, आप उसको गौर से देखें, तो आप इस कांस्टेंट वाले को छोड़ दो, कांस्टेंट वाले को छोड़ दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वन इंटू वन आपके पास वन आ गया, बीच में माइनस है, माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का फोर, ये लो। तो एक्स के नीचे आपके पास बन गया दस, वाई के नीचे आपके पास बन गया माइनस का पांच, जेड के नीचे आपके पास, जेड तो सॉरी है ही नहीं, वन के नीचे आपके पास बन गया पांच, तो एक्स बाय टेन हो गया, वाई बाय माइनस फाइव हो गया, और वन बाय में फाइव हो गया। जब ये टेन उधर चला गया तो
एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, और जब ये माइनस फाइव उधर चला गया तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस वन। तो अब इस तरीके से मुझे ये बताओ कि आप कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये मेथड समझ आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जिस जिसको नहीं समझ आया वो मुझे दोबारा बताएंगे, ठीक है, मैं उनके लिए एक बार इसको रिपीट करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस किस को समझ आ गया बताएंगे, जिसको नहीं समझ आया वो भी बताएंगे। गुरुजी ये वाला काम भी आता है, ये वाला मेथड जो है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां इस मेथड की जरूरत आपको पड़ेगी। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब एक रूट कॉमन होता है ना, उस केस के अंदर इसके इसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन होता है तब ये कंसेप्ट काम में आता है। सर ये किस क्लास को पढ़ा रहे हैं आप? ये सीडीएस के लिए भाई, ये किसी क्लास के लिए नहीं है, स्कूल के लिए नहीं है, ये सीडीएस के लिए है। और आप गौर से देखेंगे क्लास को, एक बार डिस्क्रिप्शन देख लो सीडीएस के लिए। चलो तो आपके लिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, और ये लगभग बंदे कह रहे हैं कि सर समझ आ गया, ठीक बात है भी, ओके। सर थ्री वेरिएबल वाली इक्वेशन को कैसे करेंगे सोल्व? आगे आएगा मैं करवाता हूँ यार, आगे करवाऊंगा, फिलहाल एक बार टू वेरिएबल का हिसाब कर ले, ठीक है, ओके। चलो तो इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपने एक इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये लो भी, ये दो इक्वेशन मैंने आपको दे रखी है, आप इस क्वेश्चन को ईमानदारी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व जो करना है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करेंगे। हालांकि एलिमिनेशन से भी आंसर वही आएगा, सब्स्टिट्यूशन से भी आंसर वही आएगा, लेकिन हमें कुछ नया सीखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। फैजल कह रहा सर इसका आंसर दो आएगा, ठीक बोल रहा है बंदा, बंदे की बात में दम है, पर वो दो वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी, एक्स की या वाई की आएगी? ऋतिक कह रहा है सर एक्स की वैल्यू 1 आएगी, वाई की वैल्यू 2 आएगी, आदर्श भी बोल रहा है 1 2, सत्यम की ओर से भी 1 2 आया है, मतलब ये बंदे अपने बिल्कुल सही है। तो ये आ गया 4x + y - 6 = 0, और दूसरी इक्वेशन में आएगा x - 3y + 5 = 0। तो एक्स के अपॉन में क्या आएगा भाई, 5 + - 18, 5 - 18। वाई के नीचे क्या आएगा, -6 और -5, -20, -6 और -20। 1 के अपॉन में क्या आएगा, -12 और -1। ये लो तो एक्स के अपॉन में आ गया -13, वाई के अपॉन में आ गया -26, और 1 के अपॉन में आ गया -13। सही बात है, जब इस -13 को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -13 अपॉन में -13, आप देखेंगे आंसर 1 मिलेगा। और जब मैं -26 को उधर लेकर जाऊंगा तो वाई की वैल्यू -26 अपॉन में -13 = 2 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 आई है और वाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में 2 आई है, और मैं चैट बॉक्स जैसा कि देख पा रहा हूं कि लगभग सभी लोगों ने आंसर इस क्वेश्चन का ठीक किया है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल वेरिएबल को सोल्व करने के आपके पास 3 मेथड रहते हैं। तो क्या सभी को ये तीनों के तीनों मेथड समझ आ गए? डन कर दो जल्दी से, टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं।
जल्दी से जल्दी बताएंगे कि अगर आपको ये तीनों के तीनों मेथड जो है वो समझ आ गए हैं तो जल्दी से यस कर दें। ठीक है, तो अभी मैं इसके ग्राफिकल पार्ट के ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि जितने भी मैंने यहाँ पर लीनियर इक्वेशन लिखी है इन सभी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, तो मैं एक बार स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट के ऊपर नहीं जा रहा, वो कंसेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन का मतलब समझा रहा हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपने ये देखा कि जब आपको दो बढ़िया बढ़िया लीनियर इक्वेशन बना के दे दो आप उनको सोल्व कर लेते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि क्वेश्चन वाला लीनियर इक्वेशन बना के नहीं देता। जैसा कि आप सीडीएस के पेपर को अच्छे तरीके से जानते ही हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है वो बना के नहीं देता, हमें खुद बनानी पड़ती है, स्टेटमेंट को पढ़कर इक्वेशन हम खुद बनाते हैं। तो मैं अभी उन्हीं क्वेश्चनों की ओर चलता हूँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसमें लीनियर इक्वेशन जो है वो आपने खुद बनानी होगी। चलो ये रहा भाई, तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन चैप्टर था, ठीक बात है, ओके है, इक्वेशन चैप्टर है। चलो लीनियर इक्वेशन बनाने की बात करते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 करो। उसने बोला एक फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन है, आप वो फ्रैक्शन x अपॉन y मान लेना, वो फ्रैक्शन आपने क्या मान लेना है, x अपॉन में y, फिर जैसा जैसा क्वेश्चन वाले ने बोला है वैसे वैसे करते जाओ। चलो करेंगे इस क्वेश्चन को, ये पंप दे रहा है भी देव कुमार, बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, कहता है एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो गया जब एक आपने सब्ट्रैक्ट किया न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से, ठीक है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से जब आपने एक एक सब्ट्रैक्ट किया ना तो वो फ्रैक्शन 1/3 बन गया। तो मैंने वो फ्रैक्शन जो है वो एक्स अपॉन में वाई माना था। उसने बोला न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक एक माइनस कर दो तो आपका फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाएगा, ठीक बात है। फिर कह रहा सेम फ्रैक्शन बिकम 1/2 जब 1 आप दोनों में ऐड कर दोगे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो एक्स अपॉन में वाई था तो दोनों में एक्स और वाई के अंदर अगर आप 1/1 ऐड कर दोगे तो कहता है ये फ्रैक्शन आपका 1/2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एक्स और वाई के अंदर आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो सभी लोगों ने आंसर दिया सर 10 10 10 आएगा, कहते हैं इसका फ्रैक्शन जो है वो 3/7 है। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ पहली इक्वेशन को तो 3x माइनस का 3 इक्वल टू वाई माइनस 1 कुछ ऐसा मिल रहा है, और यहां से जो इक्वेशन मिलेगी वो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 मिलेगी। फिर यहां से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहां से 2x माइनस वाई इक्वल टू में आपके पास आ गया माइनस 1। जब इस इक्वेशन में से इसको माइनस करूंगा तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई तो y की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। तो आपको जिस फ्रैक्शन की बात कर रहा है वो फ्रैक्शन आपका 3/7 था, 3/7 था वो फ्रैक्शन। तो दोनों का सम आपके पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। सत्यम कह रहा है अगर इस क्वेश्चन में सम ना दिया होता ना तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाता। मैं बंदे की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। अगर वो ऑप्शन ही दे देता कि फ्रैक्शन बताओ कौन सा है और एक ऑप्शन में 3/7 दे देता तो मैं ऑप्शन को चेक करना ज्यादा ठीक समझता। ठीक है, ओके है, समझ आई बात। क्वेश्चन नंबर 5 सभी को समझ आ गया, डन कर दो ये जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अगर समझ आ गया हो तो जल्दी से डन कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 24, तो यहां मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कभी भी आपने दो डिजिट का नंबर मानना हो, यह बात आप पूरी मैथमेटिक्स में ध्यान में रखेंगे, कभी भी आपने दो डिजिट का नंबर मानना हो, आपने 10x+y मानना है, इस बात का ख्याल रखना भाई। कभी भी आपने दो डिजिट का नंबर मानना है, आपने 10x+y मानेंगे, y उसका यूनिट डिजिट होगा, x उसका टेंथ डिजिट होगा, इस बात का ख्याल रखना, y उसका यूनिट डिजिट होगा और x उसका टेंथ डिजिट होगा। करो इस क्वेश्चन, कहता है 1/3 ऑफ ए टू डिजिट नंबर, दो डिजिट नंबर आपका 10x+y था, उसका 1/3 1/3 एक्सीड्स इट्स 1/4 by 8, इस नंबर का 1/4 कर दिया, इक्वल टू में उसने बोला है 8। क्या आप सभी को ये इक्वेशन समझ आ गई? ठीक बात अभी? ओके, जल्दी से बताओ क्या आप लोगों को ये इक्वेशन क्लियर हुई? ठीक है, तो यहां पर आपने ये देखा कि 10x+y तो दोनों में कॉमन ही आ रहा है, तो 10x+y आपने ले लिया दोनों में कॉमन। 1/3 में से जब मैं 1/4 को माइनस करूंगा, 1/3 में से 1/4 को आप एलसीएम लेकर माइनस कर लो, क्या 1/12 आएगा? 1/12 इक्वल टू में 8 पड़ा है, तो वो जो जिस 10x+y नंबर की बात हो रही है ना, वो नंबर आपके पास कितना आ गया? 96 आ गया। जिस 10x+y नंबर की बात हो रही थी वो नंबर आपके पास 96 हो गया, और आपको दोनों डिजिट का सम पूछा है, तो 9+6 15 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखेंगे कि जब कभी भी आपको दो डिजिट का नंबर मानना पड़े, आप 10x+y मानेंगे। ठीक है, ओके है। उसने बोला 1/3 आपके टू डिजिट नंबर का, तो मैंने आपका जो टू डिजिट नंबर है उसका 1/3 कर दिया, फिर उसी का 1/4। कहता है इनका डिफरेंस 8 के बराबर है, तो मैंने दोनों के डिफरेंस को 8 के बराबर कर दिया। हाँ भाई सत्यम, इसमें फंसने की बात क्या थी? नकली सा क्वेश्चन था यार। चलो बढ़िया, ये यूनिक सॉल्यूशन वगैरह की बातें मैं आपको आगे करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 करोगे, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर 4 marks फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लॉस 1 mark फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ए स्टूडेंट अटेम्प्टेड ऑल द 200 क्वेश्चन एंड स्कोर्ड इन ऑल 200 मार्क्स, द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर्ड करेक्टली वाज।
देव कुमार कह रहा है सर आपके चैनल पर अन अकेडमी की ऐड आती है, इस बात का मुझे भी अफसोस है यार, मैंने भी ये बात नोट करी है। हाँ भाई, क्या इस क्वेश्चन में आप सिंपल सी दो इक्वेशनें बना सकते हो? जो आंसर करेक्ट है वो सी है, जितने क्वेश्चन गलत है वो रॉन्ग है। दोनों मिलकर आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन बोले हैं उसने? उसने बोला है 200 क्वेश्चन है। तो पहली इक्वेशन तो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन से बना ली। अब दूसरी इक्वेशन जो है वो मार्क्स की बनाते हैं। हर सही क्वेश्चन पे मुझे 4 नंबर मिलेंगे, हर गलत क्वेश्चन का मेरा 1 नंबर काटा जाएगा, और मेरे मार्क्स जो है वो भी 200 ही बने। आप करो चेक, क्या इन दोनों इक्वेशनों से आप सी की वैल्यू निकाल लोगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, 5C की वैल्यू 400 हो जाएगी और C की वैल्यू आपके पास 80 आ जाएगी। हाँ भी करो चेक, क्या आपको दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन समझ आ गई? पहली लीनियर इक्वेशन मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन से बनाई थी कि टोटल क्वेश्चन जितने सही है और गलत है टोटल 200 क्वेश्चन है। दूसरी इक्वेशन मैंने उनसे बनने वाले मार्क्स से बनाई है, हर सही क्वेश्चन का 4 नंबर मिल रहा है, हर गलत क्वेश्चन का 1 नंबर कट रहा है। तो आपके पास 4C-W जो है ये भी आपके पास 200 के इक्वल आ जाएगा। ऋतिक कह रहा सिंगल वेरिएबल से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी आंसर आ गया, अच्छी बात है, सिंगल वेरिएबल से भी हो सकता है। चलो इस क्वेश्चन के बाद अब मैं थोड़े से हमारे पेपर वाले क्वेश्चन लेता हूँ भाई, थोड़े से हमारे CDS के पेपर के क्वेश्चन लिए जाए। चलो ये आ गए CDS के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक के आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपका लीनियर इक्वेशन का है। क्वेश्चन नंबर 70 करो, क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में बताओ आपकी क्या राय है। क्वेश्चन नंबर 70, 70 करो इसको। पैंसठ एक्स माइनस 33 वाई बराबर 97 है और 33x माइनस 65y इक्वल टू 1 है। हेलो, गुड इवनिंग, हेलो, हेलो, हाँ, बच्चे एक बार मैं ना क्लास ले रहा हूँ, 10 बजे मेरी क्लास खत्म होएगी, फिर करता हूँ, ठीक है? तो आदर्श ने इस क्वेश्चन का आंसर बोला है ए ऑप्शन। वो कहीं अब आपके दिमाग में एलिमिनेशन मेथड तो नहीं आ रहा कि एलिमिनेशन मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे? क्वेश्चन वाले देखो बहुत समझदारी वाली बात करी है इसमें, उसने 65 और 33 दो नंबर दे के उसको उल्टे कर दिए, 33 इसको दे दिया, 65 इसको दे दिया। तो क्वेश्चन वाले ने यहां पर एक बढ़िया दिमाग लगाया भाई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो क्या आपको ये इक्वेशन मिल रही है, 98x माइनस 98y बराबर 98, इसका मतलब x माइनस y बराबर 1। हाँ भाई, क्या आपको ये इक्वेशन मिल रही है अगर दोनों को ऐड कर दो आप? अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो आपको ये इक्वेशन देखने को मिल रही होगी। अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देता तो 32x माइनस 32y बराबर 96 प्लस आएगा, सॉरी यहां पे प्लस आएगा। तो यहां पर आपके पास इक्वेशन आ गई, 32 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई बराबर 3। क्या आपके पास दो छोटी छोटी इक्वेशनें आ गई?
इन दोनों को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी और वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या सभी को ये क्वेश्चन पसंद आया? हाँ भाई, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी और वाई की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। बताओ जल्दी से, क्या आप लोगों को ये इक्वेशन पसंद आई? जल्दी से यस करो। तो डायरेक्ट जो दो इक्वेशनें दी थी हम उनको सोल्व नहीं कर पा रहे थे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाना था। लेकिन जब मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, एक नकली सी इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशनों को माइनस किया, फिर एक नकली सी इक्वेशन बनी और आपको दोनों से आंसर आ गया। चलो जल्दी से डन करो ये क्वेश्चन। CDS 2000 सर 32YX वाली नहीं आई भाई, इसी इक्वेशन में से ना इसको मैंने माइनस किया है। तो 65 में से 33 को माइनस करेंगे 32 बचेगा, माइनस 33 में से माइनस 65 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 32 बनेगा। 97 में से 1 को माइनस करेंगे 96 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो रेड वाली इक्वेशन मैंने इनको माइनस करके बनाई है और ये ब्लू वाली इक्वेशन मैंने इन दोनों को प्लस करके बनाई थी। ठीक है, चलो बढ़िया था। ये क्वेश्चन नंबर 70 था। 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में बताओ क्या ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में बताएंगे क्या ख्याल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, द इक्वेशन आपको दे रखी है, यू की वैल्यू बताओ, क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन वाला। फिर आपके पास दो ही इक्वेशन है, यू और वी दो वेरिएबल है, करो भाई। U की वैल्यू बतानी है इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U इन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन वगैरह वगैरह, क्या ख्याल है इसके बारे में। तो जब इक्वल टू में यू वी वगैरह मिले ना, एक्स इंटू वाई यू इंटू वी मिले, उससे पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया करो। तुषार क्या कह रहा है, सर जी इक्वेशन चैप्टर रिकॉर्डिंग से कर लिया है तो लाइव करूं या रहने दो, जब कर लिया तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यार। और वैसे भी मैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं, अगर कर भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो यू इंटू वी से जब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो 3 × 2 = 6 हो गया, U इंटू वी से डिवाइड किया तो नीचे V बचा 3V को यू वी से डिवाइड करेंगे तो 3/U बचेगा इक्वल टू में 7। फिर इसको पूरे को यू वी से डिवाइड किया तो 3/V, ये 3 × 3 = 9 हो गया 9V। 9V को यू वी से डिवाइड किया कुछ ऐसा आया, बराबर बचा 11। मुझे जरूरत किसकी है, U की, तो V वाले को खत्म कर दो। इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करके इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो तो 6V 6/V से 6/V कट गया, 18/U में से 3/U को माइनस कर दो तो 18/U में से 3/U माइनस हो गया तो 15/U बच गया, 22 में से 7 गया ये भी 15 हो गया, 15 से 15 कट गया, तो क्या U की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, करो चेक। क्या यह तरीका सभी को पसंद आ गया भाई? ठीक है कि U और V को मैं अपॉन में रख के सोल्व कर लिया U और V को। तो जब आपके पास इक्वल टू में U इंटू V या X इंटू Y वगैरह पड़े हो तो आप उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, और उसको जब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपको इस तरीके की इक्वेशंस देखने को मिलेगी। अगर सभी को यह तरीका समझ आ गया हो तो जल्दी से एक बार यस कर दो। फिर अगर आपको ये सारी कहानी समझ आई हो कि ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है तो जल्दी से एक बार यस कर दो सारे। ठीक है, तो थोड़ी सी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा चौकन्ने रहेंगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलो
लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल वेरिएबल, ये देखो क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में बताएंगे क्या ख्याल है। आदर्श कह रहा है सर डायरेक्ट फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर सकते हैं। अरे वेरिएबल कटना चाहिए था यार भाई, मुझे यू की वैल्यू निकालनी थी तो वी को काटना पड़ेगा, और वी तब कटेगा जब दोनों इक्वेशनों में वी वाला सेम हो, उसके बाद ही तो माइनस करने का फायदा है ना। वी से वी काटेंगे, जब अगर वी वाला सेम ही नहीं हुआ फिर माइनस करने का फायदा क्या, यू और वी दोनों ही पड़े रहेंगे। हर्ष क्या कह रहा है सर ये क्लास एनडीए के लिए है। हर्ष नहीं भाई, ये क्लास जो है ये सीडीएस के लिए। अरे इक्वेशन चैप्टर एनडीए में भी है उस्ताद, लगा लो पूरी क्लास ये इक्वेशन वाली, चार क्वेश्चन आते हैं एनडीए के अंदर, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी, इसको मिलाकर एनडीए के पेपर में चार क्वेश्चन आते हैं, तो लगा सकते हो। गोड़ क्या कह रहा है सर जी अनअकैडमी पर तो लाइव नहीं ली आज तक, एक फ्रेंड से लिया था अनअकैडमी पर, यहाँ सही है ये भी, चलो ठीक है नया बंदा जुड़ा है अपने साथ। सर वो तो डायरेक्ट से भी आ गया, अच्छी बात है। चलो इस क्वेश्चन को करो यार जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में बताओ क्या ख्याल है। ये क्या कह रहा है सर वैसे मुझे पहचाना मैं आर्यन, हाँ ये मेरे को वही लग रहा है, मैंने जिसको ब्लॉक किया था ना वही बंदा ना भाई। देव कह रहा सर वो तो विवेक था, अरे विवेक तो ना एकेडमी से ब्लॉक हुआ था, ये YouTube से ब्लॉक हो गया, ठीक है ये YouTube से ब्लॉक हो गया था, विवेक तो अपना पुराना हो गया। वो इतना टाइम लगा रहे हो यार है नकली से क्वेश्चन के अंदर। द एज ऑफ ए वुमेन इज टू डिजिट इंटीजर, दो डिजिट का नंबर मैंने आपको बताया हुआ है क्या मानते हैं, ठीक है। ऑन रिवर्सिंग द इंटीजर द न्यू इंटीजर इज द एज ऑफ हर हस्बैंड, वेरी गुड, हु इज एल्डर टू हर, द डिफरेंस बिटवीन दियर एज इज 1/11 ऑफ दियर सम, क्या टाइम पास किया ये। उसकी उम्र है भाई, वुमेन की उम्र है 10y 10x+y, हस्बैंड की उम्र होगी रिवर्सिंग दी डिजिट, ठीक है, जो कि जो हस्बैंड है वो वुमेन से बड़ा है। द डिफरेंस बिटवीन दियर एज, इन दोनों की एज का डिफरेंस, मतलब 10y+x में से 10x+y को माइनस करना है, ऐसा करने पर द डिफरेंस बिटवीन दियर एज इज 1/11 ऑफ दियर सम, 1/11 ऑफ इनका सम, इनका सम आपके पास आ गया 11x+11y, सही बात है, इन दोनों का सम होएगा 11x+11y, तो 10y में से y गया तो 9y आया, x में से 10x गया 9x आया, 11 से 11 कट गया इक्वल टू में x+y आया, तो ये y उधर चला गया, 8y बराबर आपके पास हो गया कितना हो गया 10x, कुछ ऐसा ही है। तो यहां से आपने ये देखा कि x अपॉन y की जो वैल्यू आ रही है ना, x अपॉन y, इसकी वैल्यू आपने ये देखी कि y इधर अपॉन में आ गया x इधर आ गया है ना, x अपॉन y की वैल्यू 8/10 मतलब 4/5 आ रही है, 4/5, तो x की वैल्यू 4 है y की वैल्यू 5 है, तो x की जगह 4 पुट कर दो y की जगह 5 पुट कर दो, तो क्या वुमेन की जो एज है वो 45 साल है भाई, बताओ मुझे, वुमेन की एज जो है वो 45 साल है, और उसके हस्बैंड की जो एज होएगी
एक्स की जगह पर 4 पुट कर दो, वाई की जगह 5 पुट कर दो, हस्बैंड की एज जो है वो 54 साल है, दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 9 साल आपका आंसर आएगा, 9 साल जो है वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब कोई बंदा ये तो नहीं सोच रहा कि सर आपने एक्स और वाई का रेशियो 4:5 आया है तो आपने एक्स और वाई को 4 और 5 ही ले लिया, आपने इसको 8 और 10 क्यों नहीं लिया, ये भी तो हो सकता था। कोई बंदा दिमाग में ये तो नहीं सोच रहा, जल्दी से बताओ कि सर ये तो एक्स और वाई का रेशियो आया था, आपने 4 और 5 ही एक्स और वाई की वैल्यू कैसे ले ली, 4 और 5 रेशियो तो 8 और 10 का भी होता है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि जब कभी भी आप ये 2 डिजिट का नंबर लेते हो ना, तो ये जो एक्स और वाई होते हैं ये हमारे सिंगल लेटर होते हैं, सिंगल डिजिट होते हैं एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में से कोई भी डिजिट आपका डबल डिजिट का नहीं है, एक्स भी एक सिंगल डिजिट है, वाई भी एक सिंगल डिजिट है, तो डबल डिजिट वाली वैल्यू कभी वाई की हो ही नहीं सकती, इसलिए एक्स अपॉन वाई की 4 और 5 के अलावा और कोई संभावना नहीं बन रही, इसलिए आपको एक्स और वाई को 4 और 5 ही लेना पड़ेगा। बात सही है, अभी समझ आ गया सभी को? हर्ष कह रहा है सर वैसे देखा जाए सीडीएस के क्वेश्चन नकली होते हैं एनडीए के मुकाबले। अब मैं क्या ही बोलूं यार इस बंदे को, है ये सीडीएस वालों को दुख नहीं समझता भाई, ये एनडीए वाला बंदा है। ये कह रहा है गुरुजी रिकॉर्डिंग से ज्योमेट्री अर्थमेटिक कंप्लीट किया है, ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा स्कोरिंग रहेगा। ज्योमेट्री अर्थमेटिक कंप्लीट किया है, ज्योमेट्री 30 नंबर की, अर्थमेटिक 10 नंबर की, ट्रिग्नोमेट्री 15 नंबर की, देख लो भाई। ऋतिक कह रहा है पेपर में पता लग जाएगा। हाँ भाई चलो इसके क्वेश्चन का, हर्ष के क्वेश्चन का जवाब तो चलो मैं ही दे देता हूँ। हर्ष एनडीए के अंदर भाई क्वेश्चन होते हैं 120 और टाइम होता है 2.5 घंटे का, तो मैं जब उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करता हूँ तो एनडीए का पेपर 1.5 घंटे के अंदर पूरा सोल्व हो जाता है, 120 के 120 क्वेश्चन। लेकिन सीडीएस के जब पेपर की बात आती है तो भाई 100 क्वेश्चन करने में लगभग पूरा पूरा टाइम लग जाता है, 2 घंटे उसको सोल्यूशन करवाने में। तो आप खुद समझ लो एनडीए आसान है या सीडीएस का मैथ्स आसान है। ठीक है चलो आगे चलते हैं, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर हो गया 75 हो गया है ना, 75 नंबर। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में बताना क्या ख्याल है आपका। सत्यम कह रहा है सर आज पढ़ने में मजा आ रहा है, मैराथन ले लो 6 बजे तक। यार भाई 7 क्लासे मैं ऑलरेडी ऑफलाइन लेके आया हूँ, ठीक है 7 घंटे, उसके बाद तुम्हारी क्लास भी ले रहा हूँ, उसके बाद मैंने वो स्टैटिस्टिक्स की 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड भी करनी है, ठीक है तो संभव नहीं है वो चीज़। क्वेश्चन नंबर 92, ए पर्सन कैरीज 500 रुपए है भाई, 500 रुपए के अंदर बंदा शॉपिंग करने गया, वांट टू बाय एप्पल ऑरेंज आउट ऑफ इट, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज 5 रुपए, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज 7 रुपए, एप्पल ही बड़े सस्ते हैं भाई, ऑरेंज महंगे कर रखे हैं एप्पल सस्ते हैं। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ वे इन विच ए पर्सन कैन बाय बोथ एप्पल एंड ऑरेंज यूजिंग टोटल अमाउंट। हाँ भाई ये देखो एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी, अब मजेदार क्वेश्चन है। एप्पल का रेट अगर मैं एक्स रुपए मानता हूं, मैंने मान लिया एक्स एप्पल खरीदे और 5 रुपए का एक एप्पल है, तो टोटल खर्चा एप्पल पर 5x हो गया। ऑरेंज मैंने खरीदे वाई और हरेक ऑरेंज 7 रुपए का है, तो क्या ऑरेंज पर खर्चा 7y हो गया, टोटल खर्चा 500 रुपए है।
क्वेश्चन पता है अब क्या है, कहता है एक्स और वाई की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये क्वेश्चन है भाई। एक्स और वाई की ऐसी कितनी वैल्यूज है जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सोचो बैठ के, सोचो बैठ कर सोचो। हाँ भाई, जिस किसी ने इस क्वेश्चन को किया है मुझे थोड़ी सी सलाह देंगे वो क्वेश्चन को हम कैसे करें, बताओगे जल्दी से। जिस किसी ने इस क्वेश्चन को कर लिया है वो मुझे थोड़ी सी सलाह जरूर दें कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। हाँ भाई, वोल्फ कह रहा है स्किप करने वाला क्वेश्चन है ये। वाई को 5 के मल्टीपल में रखेंगे, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल कैसे निकालें। प्रणव कह रहा है सर ये तो मुद्दा गंभीर है। प्रणव, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की बात वो तभी करता है भाई जब एक्स और वाई की वैल्यू वो इंटीजर रखने को बोलता है, क्योंकि नहीं तो एक्स और वाई की तो इन्फाइनिट वैल्यू पॉसिबल है जो इसको सेटिस्फाई करे। अगर मैं पॉइंटों में सोचना लग जाऊं कि एक्स की वैल्यू पॉइंट में कोई भी रख दी तो वाई की वैल्यू भी तो पॉइंट में कोई ना कोई आएगी, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू हमें नेचुरल नंबर रखनी है, ठीक है, नेचुरल नंबर या फिर आप बोलो इंटीजर टाइप की रखनी है, तो एक्स और वाई की आपके पास गिने चुने आंसर आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को पता है आपने कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एक्स और वाई में से आप कोई भी एक वैल्यू पुट करो, कोई भी एक वैल्यू, जैसे मान लो किसी एक को पहले खत्म करने का सोचो, मैंने वाई को खत्म करना है तो मैंने वाई को 0 मान लिया, तो क्या एक्स की वैल्यू आपके पास 100 आ रही है, हाँ या ना। अगर मैं वाई को 0 करूं तो क्या आपके पास एक्स की वैल्यू 100 आ रही है। अब जो वाई का कोफिशियंट है ना उतना उतना एक्स में से माइनस करते जाओ, और जो एक्स का कोफिशियंट है उतना उतना वाई में ऐड करते जाओ, आपको एक्स और वाई की वही सारी वैल्यू मिलेगी जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? एक्स वाले में साथ साथ माइनस करते जाओ और वाई वाले में आप साथ साथ जो है वो ऐड करते जाओ, पांच पांच ऐड करते जाओ, सॉरी। तो एक्स तो वाई में जब पांच पांच जोड़ोगे तो 0 वगैरह वगैरह ये बढ़ता जाएगा, एक्स में साथ साथ कम होता जाएगा। तो आप देखोगे ये जो साथ साथ का गैप है ना, तो 100 से कम ऐसे ये टोटल कितने नंबर, कितनी चैनियां बन सकती है, ये पूरी चैन बताओ कितनी बन सकती है, ये पूरी की पूरी कहां पर जाकर रुकेगी, आपसे ये पूछा गया, कहां पर जाकर रुकेगी। तो आपके पास कोई बंदा बताए कि पूरी की पूरी चैन में कितने स्टेप हैं भाई, ये कहां पर जाके रुकने वाली है, इसमें कितने स्टेप होंगे। तो 100 में आपने देखा 7-7 का गैप है, तो 7 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा, इसका मतलब आपके पास ऐसी 14 संभावनाएं हैं। क्वेश्चन पसंद आ गया आप सभी को, ठीक है? तो आप देखेंगे कि ऐसे आपके पास टोटल 14 केस हैं, 14 केस। बताओ फिर जल्दी से क्या आप लोगों को मेरा ये क्वेश्चन पसंद आ गया भी? ठीक है, आप इसको चाहे नीचे कैलकुलेट करते रहना, चलते जाने देना, 65 में से 7 कम किया, 58 में से 7 कम किया, 51 में से 7 कम किया, 44 में से 7 कम किया, 37 में से 7 कम किया, 23 है, फिर 16 है, फिर 9 है, फिर 2 है, गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओए 15 हो गए, 14 नहीं है 15 हो गए, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर 14 नहीं आएगा, 15 ही आएगा, ठीक है? क्योंकि ये 100 में 7 का डिवाइड करने वाला काम मैं तब करता जब मेरी शुरुआत 7 की टेबल के आसपास होती,
पर इसने तो शुरुआत दो से ही कर दी, तो दो को भी तो काउंट करना है। मैंने सीधा नौ से काउंट करना शुरू किया तो 14 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास रहेगा 15 रहेगा भाई, 14 नहीं 15 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। बढ़िया रहेगा, हमने चेक कर लिया, नहीं तो गलती हो जाती। अब ऋतिक कह रहा है सर ये मुद्दा गंभीर है। ऋतिक कह रहा है, कहता है सर क्या हम इस केस को काउंट करेंगे भाई, इसको इस बात के बारे में मैं आप लोगों से भी थोड़ी राय लेना चाहता हूं, क्या ये केस मुझे काउंट करना चाहिए या नहीं चाहिए बताओ। क्या क्वेश्चन वाले ने आपको ये बात बोली है कि दोनों के दोनों फ्रूट खरीदने जरूरी है, एप्पल भी होने चाहिए और ऑरेंज भी होने चाहिए? अगर तो वो ये बात बोलता है कि दोनों के दोनों टाइप के फ्रूट खरीदने जरूरी है, तब तो आपका आंसर है 14, आप इस केस को नहीं लेंगे। अगर वो कह रहा है किसी एक टाइप के फ्रूट से भी काम चल जाएगा, तब आपका इस क्वेश्चन का आंसर है 15। अब सोचो भी क्या बोला जाएगा। तो आप बताओ 14 के साथ है या 15 के साथ है इस क्वेश्चन में। अब आप बताएंगे कि आप 14 के साथ जाएंगे या 15 के साथ जाएंगे। 15 के साथ आप तब जाएंगे जब कोई एक फ्रूट खरीदने से काम चल जाए, 14 के साथ आप तब जाएंगे जब दोनों टाइप के फ्रूट खरीदने जरूरी हो। तो आप क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो उसने एप्पल और ऑरेंज दोनों को खरीदने की बात बोली है, दोनों टाइप के फ्रूट जरूरी है, इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है वो 14 ही आएगा। हाँ भाई पसंद आया क्वेश्चन? फिर कैसे कैसे क्वेश्चन के अंदर आंसर घूमे हैं बताओ जल्दी से। क्या ये बात आप लोगों को पसंद आ गई कि एक इक्वेशन से दो दो वेरिएबल कैसे निकालते हैं, एक इक्वेशन से दो दो वेरिएबल कैसे निकालते हैं? क्या आपको ये बात समझ आ गई? बढ़िया है, मुझे ये क्वेश्चन जो है काफी पसंद आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 करेंगे। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 116, द सम ऑफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 10, इफ द न्यूमिरेटर इज इंक्रीज बाय 3, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, द फ्रैक्शन बिकम 1, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर? करो इस क्वेश्चन। सीमा क्या कहना है कि सर वाई पे काउंट करेंगे जो ज्यादा ए आर ज्यादा आ रहा है, जिसका डिफरेंस ज्यादा है ना, जो लंबी लंबी छलांगे मार रहा है उसको काउंट करेंगे। ठीक है, जो वाई था वो पांच पांच बढ़ रहा था है ना, एक्स जो था वो सात सात के बढ़ रहा था, तो जो ज्यादा लंबी छलांगे मारता है ना वो ज्यादा जल्दी एरिया कवर करता है, तो एक्स वाला जो है उसने जल्दी कवर करना था एरिया, तो इसलिए हमने एक्स वालों को काउंट किया। सर अंश और हर में बता दो, न्यूमिनेटर का मतलब अंश होता है भाई, डिनोमिनेटर का मतलब हर होता है। द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 10, तो मैंने फ्रैक्शन एक्स बाय वाई मान लिया, वो कहता है एक्स और वाई का सम 10 है, अच्छी बात है 10 है। इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, एक्स में 3 जोड़ दिया, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, तो कहता है जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जब इक्वेशन देखोगे तो आपको एक्स प्लस 3 बराबर वाई माइनस 1 मिलेगी, ये इधर चला जाएगा तो एक्स माइनस वाई बराबर में आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देना, इन दोनों को सोल्व कर लेना, तो ऐड करोगे तो 2x बराबर 6 हो गया, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। उसने क्या पूछा है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस बताओ, तो 3 और 4 का डिफरेंस आपके पास 7 आ जाएगा। हाँ भी बताओ मुझे, क्या सभी को सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो अब आप इस तरीके के दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे शीट में से। शीट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, चंडीगढ़ करियर ग्रुप टेलीग्राम चैनल का नाम है, और आप दो दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ठीक है, ओके, कल मैं इस टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करूंगा, अभी तक मेरा डबल वेरिएबल जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसा कि आप नीचे क्वेश्चन नंबर 117 देख पा रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन वगैरह क्या होते हैं, ये सारी बातें मैं कल की क्लास में करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है फिर, थैंक यू सभी को, जय हिंद भाई, मिलेंगे अपने अगली क्लास में।